दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल सीपी क्लासेस पर। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स की। उनसे ज़्यादा शायद अभी स्ट्रेस में कोई नहीं है, वाकई में यार। बट समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि पेपर होंगे नहीं होंगे, चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर। कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और एक खबर और दे दूँ मैं आपको, अभी 3 एग्ज़ाम्स, बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स कैंसिल करवाए गए हैं। यूपी में PCS का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्ज़ाम होना था 20 जून को, वो कैंसिल हो गया है। UPSC ने IAS प्रीलिम एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया है। अब आप खुद सोचो, ये बड़े बड़े एग्ज़ाम्स अगर पोस्टपोन किए जा रहे हैं, जो अगस्त में होंगे, सितंबर में होंगे, क्या CBSE के लिए पॉसिबल है अगस्त सितंबर में जाकर पेपर करवाना? CBSE के बारे में जो न्यूज़ आ रही है ना कि जुलाई में हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता जुलाई में भी एग्ज़ाम्स होंगे। अभी इस महीने मीटिंग होनी है कुछ, और उसमें सारे प्रिंसिपल वगैरह अपने एरिया की रिपोर्ट सबमिट करेंगे CBSE को, वो रिपोर्ट हेड ऑफिस जाएगी, वहाँ से सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा, और 1 जून को जाकर कुछ डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और 1 जून वाली न्यूज़ ऐसा तो नहीं है कि 2 जून को या 1 जून को शाम को आपके पास आने वाली है, एक आध दिन उसमें भी लगेगा उसके बाद। और CBSE ने पहले बोल दिया था कि हम 15 दिन का टाइम देंगे बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि आप मान के चलो जून एंड तक जाकर एग्ज़ाम शुरू होंगे, जुलाई में ख़त्म होंगे, अगस्त सितंबर में जाकर रिजल्ट आएगा। आप सोचो जो आगे वाले और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनका क्या होगा, है ना? तो 20 दिन में तो रिजल्ट देना पॉसिबल नहीं होता ना। देखो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर देना चाहिए CBSE को, क्योंकि टाइम नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जून में बिल्कुल ही कोविड के केसेस ख़त्म हो जाएंगे और CBSE बोलेगी चलो जी जून में एंड में हम एग्ज़ाम करवा लेते हैं, ईजी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। ईजी नहीं होगा इस बार, क्योंकि बहुत सारे स्कूल तो कोविड सेंटर बने हुए हैं, बहुत सारे स्कूल आज क्लोज्ड हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ बिल्कुल। मेरा मकसद आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना है, क्योंकि मुझे पता है बच्चे आज कितने स्ट्रेस में हैं। बेटा आपका स्ट्रेस शायद एक टीचर और पेरेंट बहुत अच्छे से समझ सकता है, हालात जो हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि CBSE अगस्त में एग्ज़ाम करा दे, कुछ न्यूज़ में ये भी आ रहा है जी जुलाई में अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएंगे। आप खुद सोचो यार, जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं? जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होंगे तो क्या मतलब अक्टूबर में जाकर नया सेशन स्टार्ट होगा, अक्टूबर नवंबर में जाकर नया सेशन स्टार्ट होगा? पॉसिबल है? कोई सीन नहीं लगता है। एग्ज़ाम्स के कैंसिल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती जा रही है। बट मैं एक बात फिर बोलूँगा आपको कि जब तक CBSE की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए, तब तक आपको बिलीव नहीं करना है एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं। और तब तक मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा बेटा कि पढ़ाई करते रहिए, आप लोग करते रहिए, आउट ऑफ टच मत होइए। संभावना ज़्यादा लग रही है ना कैंसिल होने की, बट हुए तो नहीं है ना, ना मैं कह रहा हूँ कैंसिल हो गए हैं, ना आप ये सोच सकते हो कि कैंसिल हो गए हैं, बट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मुझे भी लग रहा है 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएंगे। और कैंसिल होने के बाद आप लोगों को 12th के बच्चों को किस के बेसिस पर पास करवाया जाएगा? क्राइटेरिया मेरे ख्याल से 10th वाले क्राइटेरिया से थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि 10th का लेवल अलग होता है, 12th का लेवल अलग होता है, है ना? और 12th वाले ही बच्चे हैं जो ज़्यादा परेशान हैं आज की डेट में, तो उनके लिए CBSE को जल्द से जल्द मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों से, CBSE ऑफिशियल से, कि जल्द से जल्द ये फैसला लिया जाए कि यार एग्ज़ाम्स का होगा क्या। और आइडियल सिचुएशन देखो, हालात जो कह रहे हैं, हालात वो यही कह रहे हैं कि यार बच्चों की जान से ज़्यादा तो एग्ज़ाम नहीं होते ना, एग्ज़ाम्स बहुत पड़े हैं। एक एग्ज़ाम के प्रेशर से, स्ट्रेस से तो बच्चों को यार आज़ाद कर दो कम से कम, उसके बाद उन्होंने बहुत एग्ज़ाम देने हैं। अभी एक एग्ज़ाम का स्ट्रेस उनके दिमाग में कम हो जाएगा, कम से कम वो बाकी जो एग्ज़ाम्स होने हैं उनकी तो तैयारी कर पाएंगे ना। हमारा देश क्यों नहीं ये बात सोच पा रहा है, ये बात समझ पा रहे हैं ऑफिशियल्स? लाइफ में ठीक है वैल्यू है एग्ज़ाम्स की, बट ये थोड़ी है यार जान से ज़्यादा वैल्यू है इस एग्ज़ाम की। इसके बाद एक बात सोचो आप यार, जिनके 12th में नंबर कम आते हैं या जो 12th में एक दो बार फेल भी हो जाते हैं, चलो क्या वो लाइफ में कुछ बनते नहीं है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्ज़ाम्स मत नहीं होने चाहिए या ज़रूरी नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं, बट लाइफ से ज़्यादा क्या ज़रूरी है? कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, एग्ज़ाम ज़रूर कैंसिल होंगे, बट अगेन बोलूँगा कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि CBSE का देखो कोई ऑफिशियल अपना नाम तो लेगा नहीं, सबको अपनी नौकरी प्यारी होती है, तो जब तक CBSE की वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक किसी भी न्यूज़ पर बिलीव मत करिएगा कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं और आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के चुपचाप बैठ जाओ जी आराम से। नहीं,
आपको पढ़ाई कंटिन्यू करती रहनी है, अपना थोड़ा थोड़ा पढ़िए चाहे, बट सिलेबस के साथ टच में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, है ना। क्योंकि नहीं पता ना अभी तक एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ठीक है। तो बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल होंगे तो आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है। चांसेस हैं ज़्यादा कैंसिल होने के, बट कुछ नहीं कह सकते हैं अभी। और हो सकता है एक दो स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि भाई स्कूल के अंदर जिस स्कूल का बच्चा है उसी स्कूल के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दो, बट CBSE की तरफ से अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। तो वीडियो को बच्चों तक ज़रूर भेजें ताकि उनका स्ट्रेस कम हो इस वीडियो को सुनने के बाद, क्योंकि मैंने दिया आपको बिल्कुल ऑथेंटिक खबर, क्योंकि पर्पस है आपका स्ट्रेस कम करवाना, आपकी टेंशन कम करवाना और आपको सही खबर तक पहुंचाना, बिकॉज आप देश का भविष्य हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि CBSE ऑफिशियल्स तक ये खबर पहुंचे, ये न्यूज़ पहुंचे कि बच्चे स्ट्रेस में हैं भाई और वो चाहते हैं एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। ऑल्दो बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उन सब ने ये रिक्वेस्ट डाली हुई है कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल करवा दिया जाए। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।